राजधानी जयपुर में फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले शाति ठग को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस गिरफ्त में आया फर्जी आईएएस अधिकारी नीरज है। मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि परिवादी संजीव चंद्रवाद सहित अन्य ने इस संबंध में परिवाद दर्ज करवाया था। परिवाद में बताया गया था कि उन्हें भीलवाड़ा में यूआईटी चेयरमैन बनाने या सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर 50 लाख रुपए की मांग की गई थी। फर्जी आईएएस अधिकारी नीरज लोगों को खुद को प्रेसिडेंट हाउस में ओएसजी पद पर तैनात बताता और शहर के बड़े होटलों में मीटिंग करता था। रामबाग में ही बुलाया, रामबाग से ही हमने इसको पकड़ा है और बिल्कुल फर्जी आदमी है। इसने कुछ पैसे ले भी लिए थे इनसे और पहले भी ये बाजार नगर थाने में बंद हुआ है। अभी पूछताछ में इसने बताया है कि इसने बहुत से लोगों को इस तरह से चीट किया है। हिंडौन में, जोधपुर में, गंगानगर में, सीकर में बहुत से लोगों को इसने पहले भी चीट किया है, लेकिन ऐसा हमें अभी जो एहसास हो रहा है कि शायद इसके खिलाफ रिपोर्ट्स कम है, लेकिन पहले ही बाजार नगर थाना इलाके में बंद हुआ है। इसका असली नाम जो है वो नीरज कुमार है, लगभग 20 साल। जनजीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।